Okay. Hello, good evening. Again, we are back live with you. कल भी आपसे मन की बात की थी, आज भी मन की बात करेंगे. पर जब तक सोल्यूशन नहीं निकल जाएगा तब तक ये फाइट हम लोग करते रहेंगे. हम लोग मिलेट क्रांति की बात कर रहे हैं, हम लोग हेल्थ की बात कर रहे हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश का भविष्य, हमारे बच्चे, उनके बारे में कौन बात करेगा? आज उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे. और अगर हम लोग बच्चों से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, और अगर हम बात कर रहे हैं ब्लड प्रेशर, डायबिटीज़, PCOD, हार्मोनल इम्बैलेंस, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, पर वो छोटे लेवल से जहाँ पे फाउंडेशन है वहाँ से तो हम लोग बात ही नहीं कर रहे. आज हम लोग वही बात करेंगे. हमारे पास इस टाइम पे एक स्टूडेंट है, छोटी बच्ची है, उनके मदर हैं, उनके पेरेंट्स हैं, और हमारे पास अभी लाइव, यू कैन सी हर हियर, मिसेस अनुजा शर्मा. शी इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ वेरी रिनाउंड स्कूल. सो अनुजा मैम, हम लोग अभी एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, और मैं चाहूँगी कि आप, क्योंकि डिफरेंट स्कूल्स का डिफरेंट प्रोटोकॉल्स हैं, उनके डिफरेंट कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, सो हम लोग यहाँ पर जो हम लोग आज मीटिंग में डिस्कस करेंगे, हमारे साथ यहाँ पर फेसबुक, इंस्टाग्राम और बहुत सारे चैनल्स के थ्रू अपने अपने कंप्लेंट्स, अपने अपने सजेशन पेरेंट्स यहाँ पर देंगे. सो पहले हम लोग प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम आपसे पूछेंगे कि यू आर ऑन अ टॉप मोस्ट पोजिशन, आप प्रिंसिपल हैं, आपके स्कूल में आप क्या ध्यान दे रहे हैं. पर जो भी हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं वो ये है कि हमारे पास एज अ क्लाइंट वन स्टूडेंट इज़ हियर, शी इज़ 14 ईयर्स ओल्ड, 14 प्लस हैं, एंड शी हैज़ सम कंसर्न्स. मतलब जैसे पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों के लिए आजकल काफ़ी अवेयर हैं, स्पेशली मेट्रो सिटीज़ में. हम लोग प्रिवेंशंस की बात करते हैं, हम लोग अपना टाइम बच्चों पे लगाते हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हों, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ हों, या उनका हेल्थ हो, चाहे विमेन जो हो वो वर्किंग हो, लेकिन अपनी डॉटर्स के लिए इतना वरिड रहती हैं कि प्रीमेच्योर प्यूबर्टी ना आ जाए, वेट ना पुट ऑन हो जाए, स्किन पे एक्ने क्यों हो रहे हैं, PCOD के बारे में वी हैव बीन टॉकिंग, लेकिन PCOD बच्चे को ना हो जाए. अभी अर्ली प्रिवेंशन इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट. सो जब मदर्स इतना अपने लिए स्टैंड ले रही हैं, बच्चों के लिए स्टैंड ले रही हैं, तो कहाँ पर ये हेल्पलेस हैं, हम लोग वही अभी डिस्कस कर रहे थे. दो लगातार हफ्तों से हमारे इस क्लाइंट को, हमारी बच्ची को, स्टूडेंट जो है, इनको स्कूल में चक्कर आ जाता है, डिजी हो जाती हैं, फेंट हो जाती हैं, गिर जाती हैं. हम लोग दो हफ्ते से डाइट में चेंजेस करने की कोशिश कर रहे हैं, पर प्रॉब्लम ये है कि जब बच्चा सुबह उठता है, स्कूल का टाइमिंग है 7:40 AM, अब 7:40 के लिए बच्चा को उठना पड़ेगा 6:30 या 6 o'clock इन द मॉर्निंग. 6 o'clock उठ के अब बच्चे को नहाना भी है, अब उसके पास खाना खाने का उतना टाइम नहीं है, क्योंकि सुबह सुबह किसी को भी, बच्चे को नहीं, किसी को भी उतना भूख नहीं लगता है, और सुबह सुबह आप इतना हैवी नहीं खा सकते, और मदर के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ये टीडियस जॉब है कि आप सुबह सुबह उठ के उसके लिए ऐसा टिफ़िन भी आपको तैयार करना है, आपको ब्रेकफास्ट भी उसको खिला के भेजना है. तो चलो किसी तरीके से सुबह बच्चे ने एक एप्पल खा लिया, उसके बाद वो चले जाता है. और इनके स्कूल में, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ द स्कूल, बट आई विल सेंड अ रिक्वेस्ट, एन एप्लीकेशन, अ सजेशन कि दिस इज़ अ टाइम टू ब्रिंग द चेंज. अगर हम लोग पोलाइटली चेंजेस नहीं लेकर आ पाएंगे तो डेफिनेटली वी नो द वेज ऑल्सो. सो पर बच्चों को बीमार होते हुए हम लोग नहीं देख सकते हैं. इनका जो रिसेस टाइम है मैम, 7:40 के बाद शी जस्ट टेक्स एन एप्पल, शी गोज टू द स्कूल, एंड देन 10:55 इज़ द ओनली लंच ब्रेक. इनका जो स्कूल का फ्लोर है, क्लास जो है, वो सेकेंड फ्लोर पर है, और 15 मिनट्स की ब्रेक में इनके स्कूल में बोला जाता है कि आप अपने क्लासरूम को गंदा नहीं करोगे, आप उसमें टिफ़िन नहीं खा सकते हो, आप सेकेंड फ्लोर से आप नीचे कहीं पे भी जाओगे, आप ग्राउंड में जाओगे, आप कहीं पे भी जाओगे, एंड द टाइमिंग्स एंड देन आर 10:55. मतलब आपका 11:30 की धूप होती है, जिसमें आजकल का जो टेम्परेचर है दैट इज़ अबव 43 degrees centigrade. अब 15 मिनट में बच्चे को सेकेंड फ्लोर से नीचे आना है, उसको हाथ धोने हैं. एक अब गवर्नमेंट या कोई भी स्कूल्स हो, चाहे प्राइवेट हो, अब आपके पास वॉशरूम्स लिमिटेड हैं गर्ल्स के, आपके पास एक लॉन्ग क्यू होगा, आपको हैंड वॉश करना है, आपको वॉशरूम यूज़ करना है, लू यूज़ करना है. अब इसमें आपका टाइम इजीली 10 मिनट्स जाते हैं. अब आपके पास बचे 5 मिनट्स, आप सेकेंड फ्लोर से नीचे उतरेंगे, यू विल फाइंड अ स्पेस टू सिट इन अ शेड, ट्री है नहीं है पता नहीं, कैसे नीचे कैसे बैठोगे, ग्रास पे या कैसे,
बैठ के आपको खाना खाना है एंड देन इन 15 मिनट्स यू नीड टू कम बैक टू द क्लासरूम। उसके बाद बच्चे ने जो भी खाया एप्पल के बाद दो तीन बाइट खा पाएगी, जो भी खा पाएगी, उसके बाद इनको उसके बाद कोई भी ब्रेक नहीं मिलता है मैम। 10:55 के बाद देर इज़ नो ब्रेक। अब सीधा 2 बजे इसकी छुट्टी होगी, तो गैप आ गया 11, 12, 1, 2, 3 घंटे का गैप। स्कूल बस है, अब स्कूल बस में आप स्कूल बस को स्टार्ट होते होते घर पहुंचने तक 1-1.5 घंटा लग जाता है, चाहे आपका उसी सेक्टर में उसी किलोमीटर में रेडियस में हो स्कूल, पर बच्चों को टाइम लगता है जो भी बस से ट्रैवल करते हैं। सो अब जब वो घर पहुंचती है तो टाइम है 3 और 3:30, पर बाय द टाइम उसका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो चुका होता है, हीट स्ट्रोक हो चुका होता है। हीट स्ट्रोक बहुत बड़ी बात है और हम लोग इसको बहुत लाइटली ले रहे हैं कि कोई बात नहीं, बच्चों का भविष्य है, बच्चों को पढ़ाना है, अच्छे स्कूल में पढ़ाना है, डोनेशंस भी देते हैं हम लोग, पेरेंट्स अपना इंटरव्यू भी क्लियर करते हैं, सब चीज़ें करते हैं पेरेंट्स, मैम बहुत कुछ करते हैं। उसके बाद बच्चा जब बीमार होकर आता है, उसके पूरे एक्ने, उसका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, उसका IQ खराब हो चुका होता है, और अल्टीमेटली हम लोग लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं, जब बच्चे को पूरा दिन नरिशमेंट नहीं मिल रहा। इंडिया में क्यों लड़कियों को अर्ली प्यूबर्टी नहीं आएगी, क्यों वो अनीमिक नहीं होंगी, क्यों वो डिप्रेशन में नहीं जाएंगी? सो आई थिंक एंजाइटी डिप्रेशन बच्चियों में जो हो रहा है, लड़कियों में जो हो रहा है, दिस इज ऑल बिकॉज ऑफ द लाइफस्टाइल एंड द इनडिसिप्लिन। एंड मतलब मैं इसमें बोल सकती हूँ कि शायद अगर हम लोग कोई भी DPI प्राइवेट स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, अगर ये एक्शन लेते, थोड़ा सा अगर हम लोग बैठ के सोच ले, मैम ये चेंजेस लाना डिफिकल्ट नहीं है। सो अनुजा मैम, नाउ दिस इज़ योर कॉल, आई विल नॉट टेक द नेम ऑफ दैट स्कूल जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। ये वाली चीज़ें तो मैम एक और स्कूल में भी मेरे भी नोन है, वहाँ पर भी यही होता है। उनका फ्लोर है 3rd फ्लोर मैम, और 3rd फ्लोर पे भी उनको चढ़ के जाना होता है, फिर वॉशरूम यूज़ करना होता है। सो सच में मतलब मेरी बेटी के साथ भी या कहीं पे भी आई एम एक्सपीरियंसिंग द सेम। सो मैम मैं अब आपसे पूछूंगी कि आप बहुत रिनाउंड स्कूल में हो और यू आर द ब्यूटीफुल सोल, सो आई एम श्योर आपने अपने बच्चों के लिए कुछ स्पेशल किया होगा, सो आप बता सकते हैं? राइट, See, I am also mother of a young daughter, the age group you are talking of. Okay. And very honestly, many people bringing up to realize all the problems jo abhi aapne batayi are beautifully explained. I am an ardent admirer of you because you hit the nail. And by hitting the nail, we are able to understand सोल्यूशन ऑटोमेटिकली आ जाता है। आपने जितने पॉइंट बताए आपने एक बार वन बाय वन। सो जब मेरी डॉटर बड़ी हो रही थी, आई ऑल्सो फेस द सिचुएशन ऑफ ओबेसिटी एंड आई फाउंड द बोर्डम इन द काइंड ऑफ फूड शी वाज ईटिंग, नंबर वन। नंबर टू, टू प्रोलॉन्ग आवर्स ऑफ हैविंग ब्रेकफास्ट एंड हैविंग लंच व्हेन शी केम बैक। नंबर थ्री, बिंजिंग वॉज देयर, हिडन चॉकलेट ले गए स्कूल में, हिडन चिप्स ले गए, बिकॉज स्कूल्स प्रोबेबली वर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई द न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन। न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ अ चाइल्ड हम एज अ पेरेंट तो ध्यान दे सकते हैं, बट एज अ एकेडमिक टीचर्स नहीं दे पाते, क्योंकि हमें लगता है कि बच्चे को पढ़ा दिया तो बच्चा अपने आप समझ पाएगा कि न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस उस लाइफ में क्या है। सो आपने मेरे से पूछा कुछ रेमेडीज हैं, तो उसके लिए कुछ रेमेडीज जो मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से अपने स्कूल में अप्लाई की हैं और दे हैव वर्क्ड क्वाइट वेल फॉर माय स्टूडेंट्स। और मैंने देखा प्रेयर में बच्चे गिर जाते थे, चक्कर आ जाते थे, तो एक तो SOS सिचुएशन के लिए हम बच्चे का एक मेडिकल रिपोर्ट अपने पास हमेशा तैयार रखते हैं पेरेंट्स से लेके, ताकि अगर बच्चे को चक्कर आ जाए उसको ग्लूकोज देना भी है कि नहीं। राइट, तो वो चक्कर आने का रीजन ना खाना है कि कुछ और रीजन तो नहीं है, ठीक है? और अगर कोई सीरियस प्रॉब्लम हो भी जाए तो पेरेंट्स शुड एक्सेप्ट दैट माय चाइल्ड हैज दिस प्रॉब्लम एंड दे मस्ट टेल स्कूल कि इसको ये प्रॉब्लम है, आपने इसको खुद हैंडल नहीं करना, आप SOS इसको इस हॉस्पिटल में लेके जाओ। नाउ कमिंग टू न्यूट्रिशनल नीड्स ऑफ द चिल्ड्रन, क्योंकि अभी जेनरिक भी ध्यान रखना है ना उनकी न्यूट्रिशनल नीड्स का। तो व्हाट वी हैव डन इज कि जैसे ही बच्चे स्कूल में आ रहे हैं, एक तो हमने उनको स्टील बॉटल्स लाने के लिए कंपल्सरी कर दिया है, तो दे आर हैवी, आई अंडरस्टैंड दैट, लेकिन हमने उनको बोला कि आपने प्लास्टिक की बॉटल नहीं लेके आनी है, आप स्टील लाएंगे और आकर आप पहले पानी पियेंगे और पीने के बाद वी गिव देम सम टाइम टू रीफिल देयर बॉटल इन द मॉर्निंग, ठीक है?
अब आ गया पानी, अब आ गया ऊपर से नीचे तक वो प्रेयर के लिए आते हैं, क्योंकि उस टाइम बच्चे उसके बाद वो स्केटिंग भी करते हैं, कुछ लोग बच्चे पीटी करते हैं, कुछ बच्चे गेम्स खेलते हैं. वी अलाउ देम टू हैव अ फ्रूट. और हमने पेरेंट्स को एक न्यूट्रिशनल नीड चार्ट, अपने पेरेंट्स को एडमिशन के टाइम में साथ देते हैं कि प्लीज आप हमारे साथ मिलकर एज अ स्टेक होल्डर बच्चे की ईटिंग नीड्स का ध्यान रखो, कि आपने बच्चे को कुछ बाकी भेजना है, ये बच्चे की चॉइस का खिलाफ अगर आप भेजिए, लेकिन उसका पेट खाली मत भेजिए. ठीक है. एंड आई हैव गॉट अ वेरी गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम पेरेंट्स, भेजते हैं बच्चों के पास. ठीक है. अगर बच्चे मत में आ गए तो वो आया तो कहते हैं इसको देख लेना खाएंगे. तो वंस चिल्ड्रन कम टू स्कूल आफ्टर प्रेयर देयर इज अ शॉर्ट फ्रूट ब्रेक. फ्रूट ब्रेक है, आप फ्रूट कौन सा लाएंगे, कट करके लाएंगे, साबुत लाएंगे, वो पेट. ठीक है. सो मैम 7:40 के बाद देयर इज अ फ्रूट ब्रेक, उसके बाद लंच ब्रेक कितने बजे होता है आपके यहाँ पर? अब मैं बताती हूँ आपको. अब जो लंच है दैट इज हैपनिंग अराउंड 10:45. ओके 10:45 राइट. 10:45 का जो लंच ब्रेक है उसका हमने मेन्यू दिया हुआ है पेरेंट्स को अपने स्कूल एल्मनैक में, डायरी में. ठीक है. और उसमें जो आप लंच की बात करती हैं, आप लर्न इट फ्रॉम हू ओनली, सब तरह का सर्व आहार खाना देना. ठीक है. मिलेट्स की बच्चा अगर परांठी भी डाल रहा है तो वो फिल्ड परांठी होगी, और वो फिल्ड परांठी जरूरी नहीं है कि आपने तली हुई है. अगर आपको पनीर, अभी कुछ दिन पहले एक मदर आई, शी सेड मैम वी डोंट अलाउ एग्स इन द स्कूल बट माय चाइल्ड हैज टू स्मेल एग एंड ईट. आई सेड हु हैज स्टॉप्ड यू फ्रॉम दैट? अच्छा, तो एग्स भी डाल. ओके. सो 10:45 वी लेट देम हैव एंड वी अलाउ देम टू ब्रिंग टू टिफिन्स. ओके. They bring two tiffins. So we have a second tiffin specially for those जो बच्चे कोचिंग के लिए जाते हैं. 12:30 बच्चे जाते हैं, बाहर निकलते हैं, कोचिंग सेंटर में जाते हैं, तो हम उनके पेरेंट्स को कह के भेज सकते हैं टू टिफिन. मैम सेकेंड टिफिन कितने बजे होता है? देखो सेकंड टिफिन हमारा 1:45 के करीब होता है. ओके 12:45 राइट. परफेक्ट परफेक्ट. ठीक है. फिर उसके बाद क्या मैम ऐसा है कि अब जैसे हमारे पास डायबिटिक पेशेंट्स भी आते हैं यहाँ पे, जो बच्चे हैं जुवेनाइल डायबिटिक, जिनकी जो नीड्स है वो टू अर्ली है, और उनको इंसुलिन लगाना पड़ता है, और इंसुलिन लगाने के हाफ एन आवर के स्पैन में उनको खाना खाना है, सो ऐसे बच्चों के लिए कंसिडरेशन होती है स्कूल्स में? मैम कंसिडरेशन 100% है, सब्जेक्ट टू द राइट इंफॉर्मेशन बाय द पेरेंट. ओके राइट 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 इंफॉर्मेशन राइट राइट. दे आर रेजिस्टेंट इन शेयरिंग द ट्रुथ. ओके राइट. मैम कैन वी टेक द नेम ऑफ योर स्कूल, बिकॉज आई एम नाउ इम्प्रेस्ड इफ यू डोंट माइंड. नो इट्स अ प्लेजर मैडम श्रेया. इट्स डीएवी मॉडल 15A चंडीगढ़. वाओ ग्रेट ग्रेट. चिल्ड्रन आर रियली ब्लेस्ड टू हैव यू एज अ टीचर. सो मैं हमेशा बोलती हूँ कि कोई एक बंदा क्रांति लेके आ सकता है, द वन पर्सन कैन ब्रिंग द रेवोल्यूशन. सो इट इज़ आर इनिशिएटिव. मतलब यहाँ पर जो मेरे सामने पेरेंट्स बैठे हुए हैं, दे आर एक्चुअली स्ट्रगलिंग फॉर देयर चाइल्ड्स हेल्थ. सो दिस इज आर इनिशिएटिव. लेट्स सी अगर हम लोग पहुँचते हैं DPI तक, what we can do then. Right. Thank you so much for your time, ma'am. Thank you. Thank you, Madam Shreya. But I would also suggest the parents that Madam Shreya has actually taught me to take care of the diet, because diet plus the lifestyle, that brings the drastic change. Aur parents ke liye mera ye message hai, the lifestyle children learn is 90% from home. When you get up, aap jaldi uthiye, aap jaldi uthke bachcho ko doodh bhi pilaiye, fruit bhi khilaiye. But sleep early at night. So I think it's more of a lifestyle that exactly. would change the eating pattern of children. Right, right. Thank you. Thank you so much, Anuja ma'am. Thank you. Yeah, same here, ma'am. Thank you. Bye. ओके सो हमारे साथ अभी प्रिंसिपल थे DAV मॉडल स्कूल सेक्टर 15. सो यहाँ पर जो अभी हम लोग मैम बात कर रहे हैं, हमने आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं की है, हम लोग नहीं करेंगे भी. तो मेरे ख्याल से ये चॉइस है पर्सनल स्कूल्स की. सो अगर स्कूल्स चाहें तो अपने ये स्ट्रिक्ट मॉडल्स और स्ट्रिक्ट प्रिंसिपल्स, जो कि बिल्कुल मुझे नहीं लगता है कि कहीं पे भी वैलिड है, मतलब इतना स्ट्रिक्टनेस आपको क्यों चाहिए कि आप अपने बच्चों को वहाँ से उठा रहे हो और सेकंड फ्लोर से आप नीचे भेज रहे हो टू हैव देयर टिफिन्स डाउन स्टेयर्स, मतलब ग्राउंड में 43 डिग्री सेंटीग्रेड्स में? सीरियसली नहीं. और उसके बाद मेरा ये सजेशन रहेगा कि स्कूल्स में अगर हम लोग भी अपना डाइट करना चाहें, हेल्दी ईटिंग करना चाहें, और बच्चे डायबिटिक भी होते हैं स्कूल्स में, इंसुलिन डिपेंडेंट
पेरेंट भी होते हैं और हर एक बच्चे की नीड है टू हैव देयर मील्स आफ्टर एवरी 2 to 3 hours. स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स उनको चाहिए. वो कैमल्स नहीं है जो अपने अंदर वाटर स्टोर कर पाएंगे या एनर्जी स्टोर कर पाएंगे. मुझे ऐसा लगता है स्कूल्स में फ्रिज होना बहुत इंपॉर्टेंट है. इतने गर्मी में अगर आप एक घंटा भी कोई चीज़ फ्रिज में टिफ़िन में रखते हैं वो ख़राब हो जाता है. सो टिफिन होना ज़रूरी, फ्रिज होना ज़रूरी है. अगर माइक्रोवेव तो मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करती कि हम लोग दे सकते हैं. वैसे तो स्कूल्स के पास बहुत फंड्स होते हैं पर अगर ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है. पर फ्रिज तो मेरे ख्याल से होना चाहिए. अगर हम लोग ये भी नहीं कर सकते तो सिर्फ इतना कर लें कि 15 मिनट्स का ब्रेक इज़ नॉट सफिशिएंट. चिल्ड्रन नीड्स टू हैव 2 breaks एटलीस्ट और 15 मिनट्स बिल्कुल भी नहीं, हाफ एन आवर. भाई लेबर लॉ भी, अभी 1 May को लेबर डे है मैम. टुडे इज 30th April. हम लोग लेबर डे मनाने वाले हैं. हम लोग चिल्ड्रंस डे मनाते हैं नवंबर में. एंड व्हाट वी गिव टू चिल्ड्रन, मतलब स्कूलिंग की बात करते हैं हम लोग, बड़ी बड़ी बातें करते हैं भविष्य बच्चे देश का क्या मिल रहा है भविष्य के बच्चों को. हाँ, उनको खाना नहीं हम लोग दे पाते हैं. अपना दिन के सुबह 7:40 आप ये लगा लीजिए, सुबह 7 बजे से लेके 2 बजे तक कितने घंटे हो गए, 7 घंटे. 7 घंटे में एक बच्चा एक एप्पल एक परांठी खा के रह लेगा. हाँ, और उसमें भी मुझे ये भी नहीं लगता कि वो परांठी भी खा पाता है. कितना स्ट्रेस हम लोग दे रहे हैं. वो जो डे का टाइम है जिसमें मेटाबॉलिज्म पीक पर है, बच्चे की एनर्जी पीक पर है, उसको पढ़ाई करना है. आपको क्या लगता है पढ़ाई जो ब्रेन है वो ब्रेन कैसे चलेगा. इट डिमांड्स अ फ्यूल, खाना ही तो फ्यूल है. तो ये हम लोग ठीक नहीं कर रहे हैं. एंड वी गोना रीच टू DPIs विद एन एप्लीकेशन. वी गोना रिक्वेस्ट एंड आई एम श्योर हर एक पर्सन पेरेंट ज़रूर होगा जितने भी अथॉरिटीज़ हैं, चाहे DPIs हो या कुछ और हो, एंड दे विल अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. सो आप लोगों के क्या कमेंट हैं, आपके बच्चे स्कूल्स में जाते हैं, आपका आपके बच्चे जिस स्कूल में जाते हैं वो कैसा स्कूल है ज़रूर कमेंट कीजिएगा. वहाँ पे कितनी ब्रेक्स होती हैं वो ज़रूर कमेंट कीजिएगा. पर मैं हैप्पी नहीं हूँ विद द सिस्टम. दिस आई मस्ट से आई एम नॉट हैप्पी विद द सिस्टम, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जितने भी बच्चे आते हैं उनमें से आधे से ज़्यादा जुवेनाइल डायबिटिक पेशेंट है जिनकी प्रॉब्लम ये है. और किसी एक पेरेंट ने तो उनका स्कूल छुड़वा दिया है मैम, जस्ट टू टेक केयर ऑफ हिज हेल्थ. कहते हैं मुझे पढ़ाई के पीछे अपना बच्चा नहीं मारना है, तो वो उनकी प्राइवेट स्कूलिंग मतलब घर पे बिठा के प्राइवेट स्कूलिंग करा रहे हैं. राइट, सो पेरेंट्स ये डिसीजंस लेने पे मजबूर हैं. हम लोग मिड डे मील्स बनाते हैं, हम लोग ऐसे लोगों को ज़बरदस्ती स्कूल में बुलाते हैं मिड डे मील का लालच दे के. हम लोग एक तरफ से ये कर रहे हैं और दूसरे तरफ से हम अपने बच्चों को खाना भी नहीं दे पाते हैं, उनको ब्रेक 15 मिनट में. ये टॉर्चर है, हम लोगों को ये समझना पड़ेगा. इतनी वो जो मासूम जाने मासूम उनके ब्रेन्स, उनको न्यूट्रिशन चाहिए. वो सिर्फ आंसू टपका सकते हैं, उनका ब्रेन फॉग हो जाएगा. दे कैन फॉल इल मेंटली ऑल्सो. एंड दिस वर्ल्ड इज गोइंग टू चेंज, डिजीजेस होते जा रही हैं. वी नीड टू ब्रिंग दिस इन नोटिस ऑफ द अथॉरिटीज. दिस इज हाई इन डिमांड नाउ, टेक सम स्टेप्स. आप लोग भी प्लीज कॉमेंट करके मुझे बताइए. पक्ष सेंट जेवियर्स, सेंट स्टीफन, सेंट कामल्स, हर एक स्कूल्स का यही हाल है मेरे ख्याल से. और सिर्फ ये कामल्स या कॉन्वेंट स्कूल्स नहीं, मेरे भी बच्चे जाते हैं, ये सारे सारे स्कूल्स का सेम हाल है. सिर्फ अभी मैंने DAV प्रिंसिपल से बात की है. मुझे क्योंकि वो खुद एक मदर है और खुद वो डाइट्स को जानती है, न्यूट्रिशन की क्या वैल्यू है. सो अल्पना, सो मुझे मालूम है कि कुछ स्कूल्स तो हैं जहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं, और मुझे लगता है कि हम लोगों का ध्यान नहीं गया क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं है. हम लोगों ने वैल्यू, हम लोग ना जब तक वो पेन खुद को नहीं होता ना मैम, तब तक वो फील ही नहीं होता. क्योंकि अनुजा मैम की भी डॉटर है इसलिए उनको मालूम है. मेरे ख्याल से अगर ये अथॉरिटीज़ भी समझ जाएं कि बच्चे क्या फील करते हैं, एक दिन उनको भेज दो भारी बैग उठा के. बड़ी बड़ी बातें की थी हमने कि भारी बैग नहीं होंगे, शोल्डर्स खराब हो रहे हैं, स्पाइन स्ट्रेट हो रही है, वो कुछ नहीं किया. हाँ, अभी भी बच्चे भारी भारी बैग्स लेकर जा रहे हैं. ठीक है, 2 साल बाद स्कूल शुरू हुए हैं लॉकडाउन के बाद. बच्चे पहले हम लोग इसलिए परेशान थे बच्चे घर पे हैं, अब हम इसलिए परेशान हैं कि बच्चों की ज़िंदगी पहले भी हम लोग ख़राब कर रहे थे, अभी भी हम लोग ख़राब कर रहे हैं. सो ये गलत है. मतलब पेरेंट्स इतना जो पेरेंट्स एक्चुअली पता है क्यों साइलेंट हैं, क्योंकि उनको अपने बच्चों को स्कूल अच्छे स्कूल में पढ़ा के अच्छी एजुकेशन और एक स्टैम्प चाहिए कि बच्चा यहाँ से पढ़ कर आया है. पर उस चीज़ का हम फ़ायदा उठा रहे हैं.
ओके, वन ब्रेक इन सेंट स्टीफन्स आल्सो ब्रेक. चलो मैं मानती हूँ कि 7 घंटे में अगर आप एक ब्रेक भी देना चाह रहे हैं, एटलीस्ट 45 मिनट्स की तो ब्रेक दे दो, 30 मिनट्स की तो ब्रेक दे दो. लेट द चाइल्ड एंजॉय, लेट द चाइल्ड हैव दैट यू नो गॉसिप टाइम. बच्चों को भी तो बात करने, कब फ्रेंड्स बनेंगे इनके फ्रेंड्स, तभी तो मोबाइल बनते हैं. 15 मिनट में या तो आप हाथ धो सकते हो या वॉशरूम यूज कर सकते हो, या तो आप अपने फ्रेंड से बात कर सकते हो. हेड डाउन, ये वो, मतलब टॉर्चर करा हुआ है हम लोगों ने स्कूल्स में बच्चों को. भाई स्टैंड विद मी देन, क्योंकि अब जब हम लोग ये स्टेप लेंगे तो बड़ा ही होगा कुछ फिर. राइट, वी नीड टू रेज आवर वॉइसेस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज नॉट जस्ट फॉर द चाइल्ड विच इज who is sitting in front of me, this is for my daughter also, this is for my son who is going to be in a school very soon. So मैं अभी से डर रही हूँ कि अरे मेरे बच्चे का क्या होगा, उसको तो मैंने इतने उससे पाला है, मैं उसको हीट नहीं लगने देती हूँ. So वो स्कूल में जाके क्या करेगा. राइट, आप लोग देखो मुझे अब सपोर्ट कर रहे हैं, आप मुझे वे भी बताइएगा. वैसे तो आई एम गोना रीच टू देम, पर फिर भी मेरे ख्याल से पीटीए भी होता है, पेरेंट टीचर एसोसिएशंस भी होते हैं, पेरेंट्स एसोसिएशंस भी होते हैं. मुझे नहीं पता हम लोग क्यों ये चीज़ को, इतना हार्ड भी नहीं है ये चेंज लेकर आना. दिस इज़ नॉट एट ऑल वेरी हार्ड, मतलब इतना ईजी है कि 15 मिनट्स की जगह वी आर जस्ट डिमांडिंग 30 मिनट्स और 45 मिनट्स ब्रेक. मेरे बच्चों को एज बीइंग डाइटिशियन मेरा हक बनता है कि जो बच्चे बीमार पड़ रहे हैं और मेरे को आवाज़ उठानी ही पड़ेगी. मतलब अगर ये आउट ऑफ सडन ब्लूज, कल तक मैं मिलेट क्रांति की बात कर रही थी, कैंसर की बात कर रही थी, आज मैं ये बात क्यों कर रही हूँ. मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बीइंग डाइटिशियन मेरे पास जो बच्चे आते हैं, अल्पना डायबिटिक पेशेंट है, अनुज आया था, अनुज के पापा ने उसको स्कूल से निकाल दिया ये बोल के कि मैम मुझे मारना नहीं है. वो मुंबई ले गए अनुज को. राइट, यू रिमेम्बर, डायबिटिक पेशेंट टाइप 1. अनुज वॉज सो इंटेलिजेंट मैम. चंडीगढ़ में उसके साथ बहुत बुरा हुआ. वो बेचारा इंसुलिन लगाता था और आधे घंटे में उसको खाना नहीं मिलता था और टीचर्स ने उसकी बात नहीं सुनी और वो बेचारा हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाता था, गिर जाता था, फेंट रहता था. तो उसके फादर ने बोला कि मुझे इसको बिल्कुल नहीं मारना है, मैं अपने बच्चे को कुछ भी बिजनेस में डाल लूँगा पर मैं स्कूल में नहीं पढ़ाऊँगा. तो सिर्फ वो अनुज एक एग्जांपल है जिसके फादर ने ये बहुत बड़ा स्टेप लिया. हम सब पेरेंट्स क्या सोचते हैं, अच्छे स्कूल में पढ़ लें, डोनेशंस दे दो, कुछ और कर दो, पर अच्छे स्कूल का स्टैंप लगा दें. कल को ऐसा ना हो बच्चा बोले कि आपने कहाँ पढ़ा दिया, स्टीफन्स में क्यों नहीं पढ़ाया, कामल में क्यों नहीं पढ़ाया, कॉन्वेंट्स में क्यों नहीं पढ़ाया. पढ़ा दिया आपको, लेकिन अब आपके हेल्थ का क्या, अर्ली प्यूबर्टी, अनीमिया, आपका आईक्यू ड्रॉप हो रहा है, आप डिप्रेशन में हो. कौन सा बच्चा हेल्दी है, आपके बच्चे हेल्दी हैं मुझे ज़रूर बताइएगा. कोई एक बच्चा जो परफेक्ट है, जो हेल्दी है, आइदर द चाइल्ड इज स्किनी और द चाइल्ड इज ओबीस. आजकल वो परफेक्ट BMI 24 BMI 25 BMI देखने को नहीं मिलता. आइदर हाँ, 15 टाइफॉइड हो गया उनको. जस्ट 2 मिनट्स पहले भी उन्हीं से ही मीटिंग करके आ रही हूँ. चाइल्ड गॉट ही रेज, एक पूरे 15 या 20 डेज के स्पैन में उस बच्चे ने अपना 10 किलो वेट गेन कर लिया. एंड अब पूरे सिम्टम्स हैं डायबिटीज़ के, बहुत भूख फील होती है, यूरिन नहीं पास होता, क्योंकि ओवरवेट 20 kg के हो गया वो टोटल. तो आज वो अपना राइट प्लान उसी चीज़ के लिए शुरू करने आए हैं. एंड सेम टाइम ऑफ टिफिन ब्रेक, 7 बजे वो बच्चा 9 साल का बच्चा है, 7 बजे सुबह स्कूल जाता है, 3 बजे घर आता है. और मैं हमेशा कहती हूँ कि हर चीज़ का सोल्यूशन है, हर चीज़ का डाइट प्लान है, पर भाई हम लोग डाइटिशियंस, अल्पना हम लोग के हाथ बंधे हुए हैं. हम लोग क्या लिखें टिफिन में, हमें अगर किसी को पीरियड्स के इरेगुलर पीरियड्स या हमें डायबिटीज़ या कोई ट्रीटमेंट देना है, क्या लिखूँ मैं, 7:40 पे बच्चा क्या खा के जाएगा, क्या उसके अंदर स्टोर कर दें. फिर वो 10:45 वाली ब्रेक 15 मिनट में मैं क्या लिखूं कि वो टिफ़िन में ख़राब ना हो 43 डिग्री सेंटीग्रेड्स में. फिर 2:30 बजे मैं ऐसा क्या दूं कि सुबह 7:40 से टिफ़िन में स्टे कर जाए, वो ख़राब ना हो, बदबू ना हो, बच्चे को फूड पॉइजनिंग ना हो, बस में वो क्या खाएगा. सो दिस इज़ अ क्वेश्चन, मतलब सोचने वाली बात है, हम लोग इतने इनह्यूमन कैसे हो सकते हैं. हाँ, सो मेरे ख्याल से ये टॉपिक तो मिनिस्टर्स को भी सोचना चाहिए, एजुकेशन मिनिस्टर को सोचना चाहिए ये चीज़. हम लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, हम लोग को फिर मेडल चाहिए अपने बच्चों से. स्कूल को रिप्रेजेंट करो बच्चों के ऊपर, ये भी है फिर एक, स्कूल को भी रिप्रेजेंट करना है, मेडल भी लेके आना है, हरियाणा का पंजाब का नाम भी रोशन करना है, पर उनको न्यूट्रिशन के नाम पर क्या देना है, 15 मिनट का ब्रेक एंड दैट टू नॉट इन क्लास, नीचे जाओ खाना खा कर आओ. वॉट इज दिस,
लेबर डे आ रहा है, चलो फर्स्ट में लेबर डे को बच्चों को ही लेबर समझ के उनके लिए कुछ कर लेते हैं, राइट?